dear students assalamu alaikum now that we have completed registering or creating all our sale tax items even groups of sale tax now we are ready to use them in our quickbooks we as a user can use different set of sale tax as and when required while generating or developing an invoice but the problem here is that there are so many options available that sometimes it may happen that your user who may not be trained accountant or a computer expert he may not be able to understand how to handle all these different set of sale taxes to facilitate him as well as all other accountants as well what you need to do is create the right environment for your computer data entry operators as well

कि इसका एड्रेस कहाँ कहाँ है ये क्या काम करता है और क्या चीज़ हमसे लेगा और सबसे बढ़कर कि ये किस टाइप का हमारा क्लाइंट या कस्टमर है टाइप से मुराद ये है कि क्या ये एक जनरल कस्टमर है जिसको हम जनरल सेल टैक्स जिसके ऊपर हम लगाएं या ये कोई स्पेशल कस्टमर है जो कि एग्जेम्प्टेड है या ये कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव है ट्रस्ट का रिप्रेजेंटेटिव है या कोई गवर्नमेंट एजेंसी का रिप्रेजेंटेटिव है और सबसे अहम ये कि अगर ये एग्जेपेशन क्लेम कर रहा है मांग रहा है तो क्या इसके पास एग्जेपेशन सर्टिफिकेट है और हमें ये भी करना पड़ता है कि वो सेल्स टैक्स एग्जेम्पन सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवाना पड़ता है उसके बाद जाके हम इस नतीजे में पहुँचते हैं कि इस पर्टिकुलर क्लाइंट या कस्टमर को हमने कैसे ट्रीट करना है जैसे कि आपने पिछले लेक्चर्स में देखा कि जब भी हम कोई भी इनवॉइस बनाते हैं तो हमारे ऊपर ये मदार है कि हम उसके ऊपर किस टाइप का सेल टैक्स लागू करें देखते हुए कि वो किस लोकेशन एरिया या जगह का रहने वाला है और ये हमारी सेल कहाँ बुक हुई है ये सारी चीज़ें उस डेटा एंट्री ऑपरेटर को करना पड़ेंगी जो ये तमाम इन्वाइसें एंटर कर रहा है या बना रहा है उसको फेसिलिटेट उसकी मदद करने के लिए हमें ये चाहिए कि ये चीज़ें हम लिंक कर दें अपने यूज़र या क्लाइंट के साथ जो क्लाइंट है उसकी जगह उसकी हैसियत देखते हुए हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि इस पर किस तरह का सेल टैक्स या किस तरह के एक से ज़्यादा सेल टैक्स लागू हैं या ये एक्जेंट है तो एट द पॉइंट ऑफ रजिस्ट्रेशन वी कैन डिफाइन कि ये क्लाइंट या कस्टमर हमारा कौन कौन से सेल टैक्स अदा करेगा इस चीज़ को डिफ़ाइन करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारे यूज़र को जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है बार बार अपना जहन लगा के या किसी से पूछ के ये पता नहीं करना पड़ेगा कि मैं इस सिस्टम के लिए कौन सा सेल टैक्स ऑन करूं या कौन सा सेल टैक्स इस पूरी इन्वाइस पे लगाऊं यह चीज़ उसके पास पहले से ही तैयार शुदा हालत तो में मिल जाएगी और उसका काम बहुत आसान हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ अपना डेटा एंट्री का काम करेगा सेल टैक्स की तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली उस कस्टमर और क्लाइंट को देख के पीछे ही हल हो जाया करेंगी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा हमेशा ये काम होना चाहिए कि हम इन्वायरमेंट अपने यूजर्स को ऐसा दें कि उन्हें मिनिमम काम करना पड़े सो इन ऑर्डर टू डू दैट वॉट वी हैव टू डू इज असाइन अ सेल टैक्स ग्रुप ऑफ सेल टैक्स टू अ कस्टमर और अ क्लाइंट बेस्ड ऑन इट्स टाइप एंड लोकेशन और जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेस वो ले रहा है यह सारी चीजें देख के हम एक कस्टमर को एक खास सेल टैक्स का आइटम असाइन कर देते हैं हो सकता है कि आपको बाद में जाके पता चले कि हमारे पास ये जो लंबी लिस्ट है कस्टमर या क्लाइंट्स की हमारी उनको ये 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 सेल टैक्स आइटम या ग्रुप लगाना है हम इंडिविजुअली चाहें तो उनको लगा सकते हैं या एक दफ़ा में तमाम को बैठ के डिसाइड करके लगाए जा सकते हैं इसका फैसला कैसे होगा ये आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपको बताएगा उसके पास तमाम कस्टमर और क्लाइंट्स की लिस्ट होती है उनके एड्रेस होते हैं उनकी टाइप होती है और ये पता होता है कि वो किस किस्म के प्रोडक्ट में आपके साथ डील कर रहे हैं किस किस्म की सर्विसेज़ आप उनको दे रहे हैं किस किस्म की गुड्स हम हम उनको सप्लाई कर रहे हैं जब ये सारी चीज़ें अकाउंट्स डिपार्टमेंट को पता है तो बड़ी बासानी आपको ये बता सकता है कि इस कस्टमर को ये वाला सेल टैक्स इसको फलाना सेल टैक्स ग्रुप ये असाइन करते चले जाओ एक दफ़ा आपने ये सारी रजिस्ट्रेशन कर ली ऑटोमेटिकली डेटा एंट्री का ऑपरेशन खुद ब खुद ही आसान और सहल होगी आइए कंप्यूटर पर चल के देखते हैं कि हम किस तरह से अपने क्लाइंट या कस्टमर को सेल टैक्स आइटम असाइन कर सकते हैं जैसे कि आपको पता है कि सबसे मशहूर और सबसे पहली स्क्रीन जो हमारे पास आती है वो हमारा होम पेज है ये हमारी कंपनी का पूरा का पूरा होम पेज हमें नजर आ रहा है और हम जिस जगह ये चीज़ रजिस्टर करना चाह रहे हैं आपको पता है वो कस्टमर है कस्टमर के लिए मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया हुआ है आप अपने होम पेज से भी जा सकते हैं आप अपने मेन्यू बार से भी जा सकते हैं और आप ड्रॉप डाउन से भी जा सकते हैं आपने सिर्फ कस्टमर सेंटर चूज़ करना है जैसे ही आप कस्टमर सेंटर चूज़ करेंगे हमारे पास लिस्ट आ जाएगी हमारे तमाम कस्टमर्स की जिसको भी हम चाहें सेलेक्ट करें और उसको एडिट करें एडिट करने के आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ बहुत सारे तरीक़े हैं राइट क्लिक करके भी आप एडिट कर सकते हैं डबल क्लिक करके भी आप एडिट कर सकते हैं और एडिट से भी जाके आप एडिट कर सकते हैं इस केस में हमें क्या करना है हम यहाँ एक पर्टिकुलर काम करने आए हैं और वो ये है कि इस पर्टिकुलर कस्टमर के क्लाइंट को हम सेल टैक्स असाइन करने लगे जैसे ही हम उसकी होम पेज पे इंफॉर्मेशन पेज पे आएंगे आप ये देख रहे हैं कि सेल टैक्स की सेटिंग मौजूद है सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें ये बताना है कि ये टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिसके साथ टैक्स लगा होगा उसने लाम टैक्स अदा करना हमने कलेक्ट करना है और जमा कराना है और जिसके साथ नॉन लिखा होगा वो आप कुछ भी कर लें किसी किस्म का टैक्स देने का मजाज नहीं है ये वो कौन सी कंपनीज हैं वन सेकेंड दीज आर एन जी ओज दीज आर ट्रस्ट दिस मे बी ए गवर्नमेंट एजेंसी और एनी वन एल्स वज फ्रॉम सेल टैक्स लेकिन इन दिस केस लेट्स एज्यूम दैट दिस इज अ टैक्सेबल एंटिटी और इसके ऊपर कोई ना कोई टैक्स लागू है इसके ऊपर हम जो चाहें टैक्स लगा सकते हैं और जब हम डिसाइड कर लें कि हम इसके ऊपर कौन सा टैक्स लगा रहे हैं तो जस्ट प्रेस ओके नाउ दिस पर्टिकुलर सेल टैक्स हैज़ बीन असाइंड टू दैट पर्टिकुलर कस्टमर अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कस्टमर्स और क्लाइंट्स मौजूद हैं और एक एक करके इनको टैक्स असाइन करना एक लंबा और दिक्कत तलब काम हो सकता है इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट बैठ के इन तमाम लोगों की लिस्ट अपने सामने रखता है और उस लिस्ट के अंदर ये नामों के साथ ये बता देता है कि इसके ऊपर कौन कौन से टैक्स लागू हैं उसके बाद हम वो देखते हुए या डिटेंट्री कर लें या वो इंफॉर्मेशन कॉपी पेस्ट कर लें विच एवर इज ईजियर अगर उन्होंने हमें एक्सेल में या वर्ड में ये चीज़ बना के दे दी है तो हम वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए और याद भी आ जाना चाहिए कि जब हम बहुत सारे कस्टमर्स या क्लाइंट्स को एक ही वक्त में डील करते हैं तो हमें खोलना पड़ेगा मल्टीपल एडिट उसका तरीका क्या है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है राइट right क्लिक करें और एड एडिट मल्टीपल कस्टमर जॉब्स जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे हमारे पास एक पूरी स्क्रीन खुल जाएगी जिसमें हमारे तमाम कस्टमर्स लिस्ट डाउन हो जाएंगे इस स्क्रीन को देखते हुए अब हमें ये देखना है कि हमने ये टैक्स का जो आइटम है ये उसको कहाँ साइन करना है पहले तो चेक कर लें कि क्या ये टैक्स का आइटम यहाँ मौजूद है क्योंकि यहाँ टैक्स का आइटम मौजूद नहीं है तो हमें कस्टमाइज कॉलम में जाना पड़ेगा और अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो अवेलेबल कॉलम्स में टैक्स आइटम मौजूद है हमें सिर्फ ये टैक्स आइटम ऐड करना है हमारी चूज इन कॉलम्स में और यहाँ ऐड का बटन है ऐड का बटन हम दबाएंगे और चूज इन कॉलम्स में टैक्स आइटम आ जाएगा वी नीड टू लिस्ट दिस राइट नेक्स्ट टू द नेम टू फेसिलिटेटर्स हम चाह रहे हैं कि टैक्स आइटम जो है फ़ौरी तौर पे उधर पहुँच जाए नज़र आए हमें स्क्रीन पे नाम के साथ ताकि हमें सहूलत हो उन लोगों को टैक्स के साथ एडजस्ट करने और उनको असाइन करने में तो वी आर मूविंग द टैक्स आइटम अबब एंड जस्ट बिलो द नेम अब ये नाम के फौरी साथ आपको टैक्स आइटम नजर आएगा इनके ऊपर आप देख सकते हैं कि बहुत सारों पर टैक्सेस डिफॉल्ट में लगे हुए हैं और अगर हम किसी को करेक्ट करना चाहें तो हम जिसको चाहें एज एंड वेन रिक्वायर्ड सही कर सकते हैं ये टैक्स आइटम वो हैं जो हमारे पास इस लिस्ट में मौजूद हैं और हम इनको ग्रुप भी असाइन कर सकते हैं नाउ दैट वी हैव डन ऑल द चेंजेस विच नीड टू बी डन वी कैन सिंपली सेव ऑल चेंजेस अब हमारे पास ये तमाम कस्टमर्स अपडेट हो गए और जब भी हम इनको इस्तेमाल करेंगे तो आप देख सकेंगे कि उनके पास जो डिफॉल्ट हमने सेल टैक्स आइटम असाइन किया है वो नजर आएगा अब ये डिफॉल्ट सेल टैक्स आइटम है आए देखते हैं क्या ये इसकी इन में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं अगर आपको याद हो कि यही टैक्स था जो हमने इस कस्टमर को असाइन किया था और ये ऑटोमेटिकली यहां आके फिल हो गया सो दिस इज हाउ बेसिकली वी असाइन सेल टैक्स आइटम टू आर कस्टमर्स मेन रीजन बींग दैट सिंस वी नो ऑल आर कस्टमर्स वेयर दे बिलोंग वेयर दे कम फ्रॉम वेदर दे आर और नॉट एंड वॉट टाइप ऑफ प्रोडक्ट दे आर बाइंग वी कैन सिंपली एंड वेरी इजली असाइन एनी नंबर ऑफ आइटम्स टू एनी नंबर ऑफ क्लाइंट्स ये किसको फैसिलिटेट कर रहा है डेटा एंट्री को भी फैसिलिटेट कर रहा है आपकी गलती बचा रहा है कि आपने बार बार इस ड्रॉप डाउन से चीजें सेलेक्ट नहीं करनी है। एक दफा असाइन हो गया इस कस्टमर को तो यह हमेशा रहेगा अनलेस यू चेंज इट यू ऑलवेज हैव द फैसिलिटी टू चेंज द सेल टैक्स विच इज असाइंड एज अ डिफॉल्ट टू दिस कस्टमर इन कंक्लूजन नाउ वी अंडरस्टैंड वाई वी नीड टू असाइन आ सेल टैक्स आइटम To our customers आर कस्टमर ऑर क्लाइंट दिस इज अम एक्सरसाइज विच नीड्स टू बी डन एज एंड वेन यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू यू जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन आती है आप जरूर करें Reason being कि जब भी आप ये सारी चीजें असाइन कर देंगे तो आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर को मुश्किल नहीं होगी बार बार उसे चीजें select नहीं करना पड़ेंगी और एरर के चांसेस automatically कम हो जाएंगे By diminishing this डेटा एंट्री एरर चांसेस व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर बेसिकली मेकिंग योर अकाउंट्स मोर एक्यूरेट एंड करेक्ट तीसरी चीज़ इसमें यह है कि जब भी आप चाहें इस डिफॉल्ट को चेंज कर सकते हैं हो सकता है कि हमेशा वो कस्टमर या क्लाइंट वही चीज़ ना ले जो वो हमेशा से लेता आ रहा हो और हट के कोई चीज़ मांग ले जिसके ऊपर कुछ और सेल टैक्स लागू हो आप उस वन टाइम के लिए उस डिफॉल्ट को बदल के चेंज कर सकते हैं और उसे जब आप छोड़ देंगे इस्तेमाल नहीं करेंगे और दोबारा इनवॉइस बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिफॉल्ट इन हो जाएगा याद रहे कि हमने सेल टैक्स प्रेफरेंस में इस पूरे सिस्टम के लिए एक डिफॉल्ट सेल टैक्स डाला हुआ है लेकिन जब आप किसी कस्टमर या क्लाइंट को एक सेल टैक्स असाइन कर देते हैं तो ये उस डिफ़ॉल्ट सेल टैक्स को ओवर रूल कर देता है एंड दिस बिकम्स द डिफ़ॉल्ट सेल टैक्स आइटम फॉर दैट पर्टिकुलर क्लाइंट और कस्टमर अब जब भी आप उस क्लाइंट एक कस्टमर का कोई इन्वाइस बनाएंगे तो सिस्टम का डिफॉल्ट नहीं आएगा उस कस्टमर का डिफॉल्ट सेल टैक्स आइटम जो आपने उसे असाइन किया हुआ है वो नजर आएगा ये वन टाइम एक्सरसाइज है इसे हम दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं लेकिन दिस नीड्स टू बी डन प्रायर टू स्टार्टिंग योर वर्क ऑन क्विक बुक्स इसके लिए आपने खुद फैसले नहीं करने हमेशा अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपकी मदद करेगा और ये सारे सेल टैक्स आइटम जो उसी ने आपको डिफाइन करके दिए हैं रजिस्टर करने के लिए वो कस्टमर्स या क्लाइंट के साथ लगाता चला जाएगा और आपको बताता जाएगा कि किस किस को एग्जेम्प्ट या नॉन टैक्सेबल करना है सो रिमेंबर दिस होल एक्सरसाइज इज फॉर मेकिंग योर इन्वायरमेंट कंप्लीटली कस्टमाइज्ड एज पर योर नीड्स